हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी सब। है आजमगढ़ के रेलवे स्टेशन के ऊपर बना हुआ पुल, और वो सामने आपको दिख रहा है आजमगढ़ रेलवे स्टेशन, और उसके बगल में है एक मंदिर। तो अभी हम हैं आजमगढ़ शहर में, और सोचा आपको आजमगढ़ शहर घुमा दें, आजमगढ़ शहर के नज़ारे दिखा दें। सुबह का वक्त है, स्कूल जो धीरे धीरे खुल चुके हैं, और मार्केट भी धीरे धीरे ओपन होने लगी है। रेलवे स्टेशन की तरफ अभी हम गए थे, उधर मालगाड़ियाँ में आई हुआ होता सामान, जिसे ट्रकें अपना लोड अनलोड कर रही थी, तो वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी। अब ये पुल मेन मार्केट की तरफ लेके चला जाएगा हमें। रुक रुक के इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा एचिंग है रोड पे, और गाड़ियाँ भी हैं, तो थोड़ा सा वो भी देखना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा रुक रुक कर आप लोग से बातें कर रहा हूँ। स्ट्रीट लाइट इस पर भी हल्की हल्की लगी हुई है, वो जलती कि नहीं जलती है वो तो रात में ही पता चलता, अगर मैं रात में आता तो, क्योंकि दिन में आया हूँ तो खैर दिन में वो दिख नहीं रहा था। और ये रास्ता चला जाएगा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का वीडियो है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। ये PWD ऑफिस था आजमगढ़ का, ये हीरो का मोटा वर्कशॉप है। और अभी जिस रास्ते पे जा रहे हैं, ये इधर ज़्यादातर एक हिमालय है, टू व्हीलर बाइकों की ज़्यादातर शोरूम दिखेंगी आपको इस तरफ आजमगढ़ में। ये सरफुद्दीनपुर, आजमगढ़ का सरफुद्दीनपुर है, जो रेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। आज फ्रीडम रेस हुई थी आजमगढ़ में शनिवार को, तो लोग उस पर पार्टिसिपेट करने गए हुए थे, तो पार्टिसिपेट करने के बाद लोग लौट के आ रहे हैं। और ये सर्वोदय पब्लिक स्कूल चौराहा है। ये रास्ता चला जाएगा आजमगढ़ रोडवेज की तरफ। अभी जिधर हम जा रहे हैं ये हरबंसपुर आजमगढ़ शहर के अंदर, रोड चौड़ी है, डिवाइडर बने हुए हैं, और डिवाइडर पे लाइटिंग लगी हुई है, ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मेरा पहला अनुभव बाइक के साथ, अभी तक जितनी भी बार आया तो फोर व्हीलर से ही आए थे, पहली बार बाइक से आए हैं यहाँ पर। और ये न्यू मार्केट नरौली आजमगढ़, ये न्यू मार्केट का एरिया है नरौली आजमगढ़ का है। इधर आप देख सकते होंगे ज़्यादातर बाइक की, टायरों की, गाड़ियों की, और प्रिंटिंग वगैरह की ही दुकानें इधर दिख रही हैं, क्योंकि नाम भी है इसका न्यू मार्केट। रोड चौड़ी है, शहर के बाहर बाहर थोड़ा सा बाहर की तरफ का लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। मेन अंदर जाएंगे, अंदर देखेंगे अंदर कैसा है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब आए हुए हैं आजमगढ़ शहर, तो आजमगढ़ शहर को कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके, जितना ज़्यादा आप लोग के साथ शेयर कर सकें, दिखा सकें। तो ये झंडा बहुत अच्छा लग रहा है भाई, इंडियन फ्लैग लहराता हुआ बहुत अच्छा लगता है। और ये जो चौराहा है, चौराहे पर लगा हुआ है ये सिविल लाइन, फलों की बड़ी मंडी है भाई, लंबी लंबी यहाँ पे। ये जिस जगह पे हूँ मैं, ये नरौली वाली जगह है, और आजमगढ़ तमसा नदी के तट पे बसा हुआ है, तो ये शायद तमसा नदी हो जो बीचों बीच बहती है आजमगढ़ शहर के बीचों बीच। तो ये आजमगढ़ शहर के बीचों बीच एक नदी है, मैं मुझे लग रहा है ये तमसा नदी है, अगर मैं गलत हूँगा तो भाई लोग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बारिश की वजह से इस नदी में भी पानी का बहुत ज़्यादा है। ये आजमगढ़ शहर है, रोडवेज और फैजाबाद गोरखपुर का रास्ता अलग से है, यहाँ से मुँह पड़ता है 46 किलोमीटर, बोलना पड़ेगा 116 किलोमीटर, बस स्टैंड 05। यहाँ से आप फैजाबाद भी जा सकते हैं, फैजाबाद यहाँ से पड़ता है 142 किलोमीटर। ये ट्रिनिटी क्लब है, आइए चलते हैं, पहले बस स्टैंड होके आते हैं, फिर हॉली ट्रिनिटी चर्च ये सामने।
कोई सरकारी विभाग का ही प्रांगण होगा। देखने में ऐसा लग रहा है कि इतनी बरसात है, शायद मुझे जो देख रहे होगे बताइएगा ज़रूर। मुझे बहुत कुछ सारी चीज़ आजमगढ़ के बारे में नहीं पता है, बस फर्स्ट टाइम आया हूँ तो राइड कर रहा हूँ, जो आप लोग को दिखा सकता हूँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आजमगढ़ का रोडवेज बस स्टैंड जिसे कह सकते हैं, ये वर्कशॉप है यहाँ का, लखनऊ कानपुर के लिए बसें, यहाँ से दिल्ली के लिए भी बसें मिल जाएंगी। ये आजमगढ़ का बस स्टेशन आजमगढ़ आप देख रहे हैं जो, और कुछ अच्छा सा लग रहा है, लग रहा है नया बना हुआ है बस स्टेशन। ये पुराना परिसर है, कार्यालय था, ये हनुमान मंदिर रोडवेज के पास का इलाका है। ये रंग का नंबर प्लेट देख रहे हैं, ये इसका मतलब है कि ये गाड़ी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, नॉर्मली वाइट येलो और ग्रीन होता है, तो ग्रीन नंबर प्लेट उसी गाड़ी को अलाट किया जाता है जिसका इलेक्ट्रिक नंबर, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं। वाइट पर्सनल नंबर वालों और येलो कमर्शियल गाड़ियों को, थोड़ी सी जानकारी मैंने सोचा आप लोग को दे दूँ, वैसे तो पता होगा आप लोगों को लेकिन फिर भी मैंने सोचा बता देता हूँ। ये उत्तरी गेट आजमगढ़ का, सिविल लाइन के एरिया में है अभी हम। जिस रास्ते पे हमें वो सिविल लाइन का एरिया है आजमगढ़। लाइटिंग वाइटिंग अच्छी है भाई यहाँ पे चीज़ें, और मार्केट भी अगर अभी ट्रेंड और विशाल दोनों आसपास में ही है, स्पाइकर भी यहीं आस पास ही है। किसी शहर को एक्सप्लोर करना हो तो एक अच्छी चीज़ है सुबह के टाइम आइए, सुबह के टाइम थोड़ी सी ट्रैफिक कम रहती है, मार्केट धीरे धीरे खुल रहा होता है, रश कम रहती है, तो आप बड़े आराम से हर जगह जा सकते हैं। नहीं तो ज़रा सा भी लेट हो जाए या देर से आए तब मार्केट खुल चुका रहता है, भीड़ भाड़ बहुत हो चुकी रहती है। अभी आप जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि अभी मार्केट धीरे धीरे खुल रही है। ये भी चौराहा है यहाँ पे, नगर पालिका, ये अग्रसेन चौक जिसको बोलते हैं, ये मुख्य कोषाधिकारी, अपर निदेशक कोषागार पेंशन, उनका ऑफिस, जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़, ये है हमने आपको दिख रहा है। और ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़, मैं भी जिस तरफ हूँ ये सरकारी ऑफिस होके ज़्यादा है, यहाँ CDO ऑफिस आजमगढ़, तो सरकारी ऑफिस सारे इसी तरफ हैं, सिविल लाइन के पास में ही। ताजकी बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ ये सिविल लाइन के बगल में ही। ये DAV इंटर कॉलेज आजमगढ़, ये DAV PG कॉलेज आजमगढ़, तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये रैदोपुर है और DAV इंटर कॉलेज के सामने का ये एरिया है। ये जो जगह है ये है रैदोपुर आजमगढ़, और ये एक मॉल बन रहा है यहाँ पे, आने वाले समय में चालू हो जाएगा। और पीछे जो जगह गया वो गांधी चौराहा था, DAV डिग्री कॉलेज और आज के बालिका इंटर कॉलेज के पास का वो एरिया था। कि एक शहर को एक्सप्लोर करना हो, छोटे से कस्बे को और नगर को, तो वो छोटे में हो जाता है, लेकिन एक जनपद के मुख्यालय को एक्सप्लोर करने में काफ़ी लंबा जगह लगता है। और ये अभी तक मैं जितना भी कवर कर रहा हूँ मुझे तो लग रहा है कि मैं पूरा कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि पूरा करने में वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और साथ ही साथ मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जितना मुझे मालूम है उतना ही बता पा रहा हूँ। कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता है, वो पास से मैं निकल भी जा रहा हूँ तो, लेकिन ये मेरी अपने तरफ से कोशिश रहती है कि जितनी भी जानकारी मुझे रहे मैं आप लोग को सारा शेयर करूँ और आप लोग को बताऊँ। रास्ता है
ये बलिया रसड़ा मऊ उस तरफ की तरफ चला जाएगा और ये नदी पुल है, नदी पे ही होगा। तो ये पुल अभी जिस तरफ हम जा रहे हैं ये सिधारी की तरफ जा रहे हैं और वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, कोशिश करते हैं आगे चल के दिखाएं आपको यहाँ पे क्यों भीड़ लगी है। अच्छा, ये यहाँ की लेबर सट्टी है जैसे हर शहर में होता है, कुछ मजदूर लोग अपना यहाँ खड़े रहते हैं, जिनको अपना कुछ काम करवाना होता है वो लोग यहाँ आते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको लेके जाते हैं। ये ऐसे मजदूर होते हैं जिनके पास काम नहीं होता, ये बस यहाँ आके खड़े हो जाते हैं कि किसी को अगर कोई काम करवाना हो तो वो यहाँ आ करके इनसे अपना बात करके सेटल करके लेके जाए और अपना काम करवाए। एक हॉस्पिटल है सरोज, नया पुल सिधारी का। वो मंडला कार्यालय है और इधर चले जाएंगे हाइडल चौराहा। ये पुराना पुल है जो सिधारी का पुराना चौक जिसको बोलते हैं, पहले ये पुल रहा होगा, तो ये नया पुल बन गया है जिससे हम लोग यहाँ आए अभी, और वो चला जाएगा यहाँ के मंडला ऑफिस और ये रास्ता चला जाएगा हाइडल की तरफ। भाई ये एक और जगह हम आ गए हैं, ये है NH-67। ये अम्बेडकर है, हाइडल चौराहा इसको बोलते हैं, ये सिधारी का हाइडल चौराहा है। वीडियो हो जा रही है बहुत लंबी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आजमगढ़ का ये शहर के नज़ारे अच्छे लगे हों। अगर ये अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करेगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तब तक टिल देन इंजॉय करिए, मस्त रहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्कार।